हेलो नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हीरो जूम 160 के बारे में, जो कि अभी आने वाली हाल फिलहाल में इंडिया में, और इंडिया में लॉन्च करेगा हीरो। अभी कुछ टाइम पहले ये हीरो ने एक इवेंट किया था जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 160 सीसी में आपको मैक्सी स्कूटर मिलता है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि 160 सीसी का इंजन है तो आपको पता है 15 bhp की पावर जनरेट करेगा और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो मैक्सी स्कूटर एक्चुअल में होता क्या है कि एक ना सेगमेंट होता है 150 सीसी के सीरीज वाले जो स्कूटर होते हैं उन्हें मैक्सी स्कूटर कहते हैं, जो कि एक एग्रेसिव लुक में आता है और थोड़ा ना हैवी सा लगता है देखने में, मस्कुलर सा लगता है। तो उस रेंज के स्कूटर को हीरो लेके आ रहा है मार्केट में, और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसका वैल्यू फॉर मनी है नहीं है। और तो बने रहे वीडियो मेरे साथ, और अभी लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। सो हीरो जो ये स्कूटर लेके आ रहा है ना, मैक्सी स्कूटर लेके आ रहा है 156 सीसी का जो इंजन लेके आ रहा है, जो कि जनरेट करता है 15 bhp की पावर। तो पावर के मामले में स्कूटर काफी मतलब ठीक लगा मेरे को, क्योंकि इस टाइम में अभी क्या स्कूटर जो आ रहे थे ना 110 सीसी में और 125 सीसी में, आपको पता है जनरली स्कूटर आते हैं, और जो वेस्पा की अगर उसमें जाते हैं वेस्पा में, तो वेस्पा में 150 सीसी में स्कूटर आते हैं। बट हीरो जो लेके आ रहा है यामाहा की एक एरोक्स करके आती है, जो कि वैल्यू फॉर मनी मेरे को बिल्कुल नहीं लगी, उसी के कॉम्पिटेटिव ये स्कूटर लेके आ रहा है हीरो। इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ में इसमें ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि जो उसका सर्विस कॉस्ट होगा, जो पार्ट्स का, जो भी अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है तो पार्ट्स जो है वो इंडियन, अगर इंडियन ब्रांड है तो आपको कम में मिल जाता है। तो ये वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोई भी स्कूटर लेते हो या कोई व्हीकल लेते हो 150 सीसी का, तो उसमें क्या होता है, अभी स्कूटर जो है ये पूरा तो मतलब ऐसा था नहीं, मेटल बॉडी प्लास्टिक का यूज किया है फ्रेम में जो भी करा हुआ है, और इसके फ्रंट में सो प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, और इसमें आप 150 सीसी में काफी आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस जो है 145,000 रखा गया है, जो कि आप रॉयल एनफील्ड के हंटर में भी देख सकते हो, जो कि 150 के अराउंड जो इसका हंटर का बेस मॉडल आता है, और 171 तक इसका जाता है। मतलब कि आपको ये जो ऑन रोड प्राइस जूम 160 पड़ने वाली है वो अराउंड 160-170 पड़ेगी, मतलब 175 अप्रोक्स पड़ेगा आपको ऑन रोड प्राइस। तो उस सेगमेंट में आप अगर आप जूम लेना चाहते हो तो वो सिर्फ आपको 35-40 kmpl का माइलेज देगी, जो कि एक स्कूटर के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। और सेकेंड ड्रॉबैक इसका मेरे को ये लगा कि इसमें मिल जाता आपको सिर्फ 5 लीटर का टैंक, जो कि मतलब अच्छी रेंज नहीं दे पाएगी। इससे बढ़िया तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, ओला ले लो, जो कि एक अच्छा रेंज देती है आपको उसके कंपेटिटिव में। और पावर का आप क्या ही करोगे, अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपकी स्कूटर की माइलेज कम है, अगर 35-40 है तो सिटी में जो यहाँ पे सिटी जहाँ पे ट्रैफिक लगता है वहां पे आपको 30 से वो भी मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी 35 जाके, उससे बड़े आप सो आप रॉयल एनफील्ड की हंटर ले सकते हैं, उसमें आपको मिल जाता है 350 सीसी का इंजन और आपको पावर जनरेट करता है वो 19.8 bhp की, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा अकॉर्डिंग टू स्कूटर। और स्कूटर 150 सीसी का होने के बाद भी अगर आपको 35-40 की माइलेज दे रहा, तो उससे बड़े आपको हंटर देता है 36 की माइलेज देता है। तो ऑलमोस्ट अगर सिटी लाइफ में आप मतलब सिटी में चलाते हो, आप ट्रैफिक में चलाते हो सिटी की, तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही एवरेज पड़ेगी। बट आप अगर हंटर चलाओगे तो उसकी रोड की प्रेजेंस काफी अच्छी है और काफी एक अलग ही लुक देती है हंटर, और आपको स्पीड भी अच्छी मिली जाती है और रॉयल एनफील्ड का एक ट्रस्ट मिल जाता है, थोड़ी हैवी भी लगती है। वहीं पे आप स्कूटर लेते हो, मेरे को तो इसका यामाहा का जो एरोक्स आता ना, मेरे को वो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, क्योंकि 35-40 की माइलेज देती है और सेम फ्यूल टैंक 5.1 लीटर का है। तो एक अगर हमें स्कूटर को लेके कहीं भी जाना पड़ जाता है, मीन्स अगर हमें लगता है कि हाँ कहीं टूर कर सकते हैं, तो टूर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार हमें फिर रिफिल कराना पड़ेगा पेट्रोल। अगर हमारी जो हंटर है वो डबल से थोड़ा ज्यादा चल जाती है स्कूटर के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर एक रफली एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरा बाइक, अगर एक बाइक फुल टैंक कराने के बाद में अगर 300 किलोमीटर चल जाती है तो ये स्कूटर आधे में रुक जाएगा, फिर इसके बाद में रिफिल कराना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को जो मेरी बाइक होगी ना उसको सिर्फ 3 बार मेरे को रिफिल कराना पड़ेगा पूरा 1000 किलोमीटर रीच करने के लिए, अप्रोक्स बता रहा हूँ 3.5 ले लो, तो इतना मेरे को कराना पड़ेगा। बट वहीं पर अगर स्कूटर है, अगर 150 की माइलेज देता है ना, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 6-7 बार मेरे को वो रिफिल कराना पड़ेगा 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ऐसे भी कहीं लॉन्ग टूर के लिए तो स्कूटर है ही नहीं। और मेन चीज है कि अगर माइलेज ज्यादा होती भी,
मीन्स अगर 40 से अबव होती या 45 से अबव होती ना तो स्कूटर को कंसिडर किया जा सकता था, बट ये 35 से 40 का कोई माइलेज स्कूटर के लिए हैवी नहीं। और सिटी लाइफ में आप कोई मतलब कि कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए होती, कॉम्पैक्ट एक बाइक चाहिए, तो बाइक के लिए तो सबसे बढ़िया हंटर है। और आप देख सकते हो कि जो स्कूटर है ये ठीक है कॉम्पैक्ट होता है, बट इसकी प्लास्टिक बॉडी है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लूज रहेगा। और इवन जो कंपनी है उसका भी जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो है मार्केट को लेकर, बिकॉज ऑफ कि कोई क्यों ही लेगा 150 cc का स्कूटर, इससे बढ़िया तो एक बाइक आ जाती है। आप हीरो की ही मतलब कि बाइक ले सकते हो जो 150 cc में आ जाती है। मेरे को तो ये एक्सपेरिमेंट काफी मतलब कि बेकार लग रहा है, बाकी इसका लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। और आपको बस इतना है कि हेलमेट रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है, और कुछ इसके बेनिफिट्स भी है, उनके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ABS का मतलब कि सिंगल चैनल ABS मिल जाता है इसमें आपको, जो कि आपको एक मतलब कि सेफ राइड प्रोवाइड करता है, अगर आप ब्रेकिंग आपको अच्छी प्रोवाइड करता है। बाकी 14 इंच का इसमें टायर मिल जाता है जो कि आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी सपोर्ट करता है। मीन्स जो बड़े टायर होते हैं ना वो उतने ही कंफर्टेबल होते हैं, एज यू नो कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या रोड खराब है तो वहां पे थोड़ा सा कम फील होगा। वहीं छोटे टायर होते हैं जो 12 इंचेस के आते हैं स्कूटर्स में, जो 110 cc और 125 cc वाले में आते हैं, वो थोड़े ज्यादा फील होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कूटर ठीक भी है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसको सिर्फ ना मतलब मेल पर्सन नहीं चला सकता है, सब फीमेल ही चला सकती है। स्कूटर में कोई गियर तो लगाना होता नहीं, गियर शिफ्टिंग का कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है, तो इजिली कोई लेडीज भी चला सकती है। तो ये सेकेंड मतलब इसका प्रोज है। और कौन तो आपको बता ही दिए कि फ्यूल की कैपेसिटी कम है और प्राइस रेंज काफी ज्यादा है, मतलब प्राइस के इस प्राइस जिस प्राइस रेंज पे ये लॉन्च होगा उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये काफी मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा मेरे को। और अगर आप लोगों को पसंद आता कुछ भी इसके अंदर बताने के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको पसंद है तो आप स्कूटर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप मानोगे तो आप स्कूटर ना लेकर के ना बाइक ले सकते हो, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी और एक कॉन्फिडेंस देती है बाइक कर्व पे। स्कूटर में थोड़ा कर्व पे दिक्कत थोड़ा सा रहता है कि हाँ मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी भी स्कूटर में, क्योंकि इसका जो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो थोड़ा पीछे की साइड होता है, तो कर्व्स पे थोड़ा ना अपना कॉन्फिडेंस से मोड़ नहीं सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा रहेगा कि गिरने गिरने का चांस रहेगा। पर बाइक पे आप कॉन्फिडेंस लेके पूरा मोड़ सकते हो, तो ये काफी ठीक चीज है। पॉइंट ऑफ व्यू यही है स्कूटर को लेके जूम 160 आ रहा है। बाकी इसके लुक्स तो काफी अच्छे हैं, एज यू नो आपने देखा ही होगा एग्रेसिव लुक के साथ में आ रहा है। और LEDs इसमें अभी तो जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसमें LEDs आ रही है, इवन हेडलैम्प से लेकर टेल लैम्प तक LEDs ही आ रही है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट मेरा अगर मेरी अगर मानो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे को इस सेगमेंट में अगर मेरे को मैक्सी स्पोर्ट लेना पड़ जाता है, मैक्सी स्कूटर लेना पड़ जाता है, तो मैं बाइक की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि बाइक देता है एक अच्छा कॉन्फिडेंस और जो रोड प्रेजेंस होता है उसको भी अच्छा इंप्रूव करता है, कॉन्फिडेंस लाता राइडिंग में। और एक लॉन्ग रेंज के लिए बाइक बढ़िया है, क्योंकि अगर छोटी बाइक लेते हो बाइक में ये रहता है आपको एक राइड चाहिए अच्छी लंबी सी, अगर आपको कहीं जाना है तो बाइक में आपको रिफिल नहीं कराना पड़ेगा, टैंक अच्छा मिल जाता है वहीं पे। यहाँ पे 5.1 लीटर का टैंक कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि बार बार रिफिल कराना पड़ेगा। मैंने भी अभी 125 cc का जो जुपिटर ले रखा है ना उसको भी मैं राइड करता हूँ, तो मेरे को मतलब हफ्ते भर में रिफिल कराना पड़ जाता है। 5.1 लीटर का टैंक है उसका, बल्कि उसकी तो एवरेज भी काफी अच्छी निकलती है इनसे, जो 35 से 40 kmpl वाली है इनसे अच्छी एवरेज निकालते हैं मेरे जुपिटर, बट फिर भी रिफिल कराना पड़ता है तो उतना फील नहीं होता। तो अगर मेरे को प्रॉम्प्टली अगर एक हफ्ते में रिफिल कराना पड़ रहा है तो हो सकता है इसको 4 दिन में रिफिल कराना पड़ जाए, तो इससे आप भी परेशान हो जाओगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, अगर टैंक की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो फिर तो काफी अच्छा बन जाएगा। मीन्स अगर 10 लीटर भी कर देते हैं ना एक अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी आपको, इवन सिटी में जो राइड करता है ना उसके लिए भी काफी अच्छी रेंज मिल जाएगी, बार बार रिफिल नहीं कराना पड़ेगा और अच्छे खासे डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिस जाना चाहता है तो ऑफिस भी ले जा सकता है, काफी सही हो जाएगा। बट